Good morning, my dear lovely students. I hope you are doing well. Day before yesterday, we complete our first lesson, that is, where to look from. I hope you cleared all your doubts and completed all the exercise given in the books as well as provided worksheets. So now, today, we will start our next chapter, that is Fun with Numbers. The TLO of this chapter is to able to write down the number name and to count the things and write its number. So let's start. There is a story in which there are 5 children and they are collecting seeds. ये लोग seeds, बीज इकट्ठे कर रहे हैं and they are talking to each other that how many seeds they have collected. कि उन्होंने कितने कितने seeds collect किए हैं. Radhika, that we can see that she is Radhika and she has collected 24 seeds. Next is Gauri. Gauri is saying that she has collected 47 seeds. Hooray, I got 47 seeds. Sunil, here are my 38 seeds. So Sunil ne kitne collect kiye? 38. Indra, I got 54 seeds. Means Indra ne kitne se collect kiye? 54 seeds. Next is Vicky. I think I have collected 42 seeds. विकी बोल रहा है कि मैंने कितने आई थिंक मतलब मुझे लगता है मैंने 42 सीड्स कलेक्ट किए हैं. नाउ देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स गिवन विच वी हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेशन विच वी डिस्कस्ड जस्ट बिफोर. राधिका, गौरी, विकी, इंद्रा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली टैमरिन सीड्स, मतलब वे इमली के बीज जो इकट्ठे कर रहे थे. एंड नाउ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स, सबसे ज़्यादा बीज जो है वो किसने कलेक्ट किए. सो इफ वी सी देयर कन्वर्जेशन, सो इंद्रा हैज़ कलेक्टेड 54 सीड्स विच इज़ द हाइएस्ट अमंग ऑल. सो विल राइट डाउन इंद्रा, आई एन डी आर ए, इंद्रा collected the most seeds. Next fill in the blanks. Sunil will collect dash more seeds to be equal to Vicky. Sunil kitne aur bij ikhatte karega ki wo Vicky ke equal ho jaye. So as we can see, Sunil has collected 38 seeds and Vicky has collected 42 seeds. So according to it, if we subtract Vicky's seeds, Vicky's collected seeds from Sunil, so we will get the number that Sunil wants, needs more. तो विक्की ने 42 किए और सुनील ने 38, तो हम विक्की के सीड में से सुनील के सीड माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो इन दैट वे सुनील नीड्स 4 मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की. Next question, if Radhika gets 6 more seeds, she will have, Radhika ke paas seeds hai 24 and agar uske paas 6 aur ho jate hai to we will add 24 plus 6, that is 30. How many children have more than 40 seeds? So as we can see, Gauri, Indra and Vicky have more than 40 seeds. Matlab Gauri, Indra aur Vicky ke paas 40 se zyada बीज हैं. डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50. किसको 3 और सीड चाहिए कि उसके 50 सीड्स हो जाएं? तो एज वी कैन सी, गौरी के पास 47 सीड्स हैं और अगर हम इसमें 3 मोर सीड्स और ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा. नेक्स्ट, सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40 एंड डैश हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40. सुनील के पास 40 से 2 कम है, दैट इज 38 एंड एज वी कैन सी विकी के पास 42 सीड्स है, दैट इज मोर देन 2 मोर देन
40. So now we will complete this. Now we continue the next page. Dot game. Guess the number of dots in the circle. Now count and check your guess. Play this game with your friends by making circles. See who can guess best. Can you guess the number of dots on me? So आपको एक गेम खेलनी है जिसमें आपको बहुत सारे डॉट्स बनाने हैं और आपको किसी के नाउ काउंट एंड चेक योर गेस और आपको क्या करना है उनके ऊपर सर्कल बनाना है कुछ डॉट्स के ऊपर और उसे गेस करना है कि वो कितने गेस मतलब अनुमान लगाना है आपको काउंट नहीं करना आपको अनुमान लगा के बताना है कि वो कितने हो सकते हैं ये गेम आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं एंड आपको सच में बहुत मजा आएगा नाउ कैन यू गेस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन मी आपको गेस करना है कि इसके ऊपर कितने डॉट्स हैं एंड ऑन मी एंड लेडी बर्ग भी दी हुई है एंड आपको गेस करना है कि लेडी बर्ग के ऊपर कितने डॉट्स हैं सो नाउ इन दिस पेज लॉट ऑफ डॉट्स हैज बीन प्रोवाइडेड एंड यू कैन सर्कल एनी प्लेस लाइक अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सर्कल कर दूँ आई नो इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्कल बिकॉज ये मेरे पास फोन है और फोन को सर्कल करना पॉसिबल नहीं है सो अगर हम इसको सर्कल इस पार्ट को सर्कल कर दें और आपको गैस करना है कि इसमें कितने डॉट्स हैं सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड देन यू विल डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फैमिली मेम्बर्स और योर सिबलिंग्स नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पेज धोनी सेंचुरी धोनी का शतक वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी इंडिया बैटिंग फर्स्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था गुवाहाटी में और इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था धोनी ऑन 96 ओनली वन बॉल लेफ्ट धोनी ने 96 रन पे थे और उनको उनके पास सिर्फ एक बॉल थी हिट करने के लिए क्या वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट करेंगे और ध्यान से व्हाट अ मार्वेलस सिक्स और धोनी ने क्या मारा एक छक्का सो द गर्ल इज आस्किंग हैज ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी क्या उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की तो द फिल इन द ब्लैंक्स आस्क धोनी स्कोर्ड 96 प्लस डैश इक्वल्स टू डैश रन्स धोनी ने क्या मारा था छक्का दैट इज सिक्स 96 प्लस 6 दैट इज 102 रन्स How many runs do these players need to complete a century? Century means 100. जब भी कोई player 100 run complete करता है, that is called century. And 50, if he completes 50, that is called half century. So आपसे fill in the blanks के through पूछा गया है कि इन players को कितने run चाहिए 100 अपनी century complete करने के लिए. Player 1, 93. So 93. आप 100 में से इतने नंबर्स माइनस करते जाएंगे तो यू विल गेट टू नो दैट हाउ मेनी रन्स दीज प्लेयर्स नीड लाइक 100 माइनस 93 7 100 माइनस 97 3 100 माइनस 89 11 100 माइनस 99 1 दैट्स ऑल फॉर टुडे We will only complete the 3 pages of our second lesson. Complete this exercise and share the work given to you by tomorrow's evening. I hope this class was useful for you. We will meet day after tomorrow. Sorry, we will meet tomorrow. And then we will discuss our problems and we'll continue the next pages. Thank you and have a good day.